कीव में एक बार फिर मिसाइल अटैक का अलर्ट। जी हां, कीव के कुछ इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई दी और लोगों को शेल्टर होम में जाने के लिए कहा गया है। तो लगातार कीव में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। लोगों को जब धमाके होते हैं तो सुरक्षित जगहों पर, चाहे वो मेट्रो के टनल्स हो, स्टेशन हो, अंडरग्राउंड बंकर्स हो, वहां जाने के लिए कहा जाता है। इस बार फिर से लोगों को यह आदेश दिया गया है, लोगों को यह अलर्ट किया गया है कि लोग अपने आप को सुरक्षित जगहों पर ले जाएं। सुमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी स्टूडियो में मौजूद है। सुमित, सबसे बड़ा सवाल, अभी हम ये भी देख रहे थे कि ज़ेलेंस्की ने फिर एक वीडियो मैसेज रिलीज किया है और उसमें सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम रुकेंगे नहीं और जो ये हमले किए हैं रूस ने, इसका हम भरपूर जवाब देंगे। क्या वाकई में ज़ेलेंस्की अभी भी इस सिचुएशन में है कि रूस के किसी शहर या अंदरूनी इलाके में बड़ा हमला कर सकते हैं? देखिए, ज़ेलेंस्की के पास जो सबसे बड़ा ऑप्शन लगातार हमने देखा, जो उन्होंने लगातार इस बात को, आप देखिए कि कुर्स्क और के अंदर और बेलग्रेड के अंदर उन्होंने अपने ऑफेंसिव ऑपरेशन को प्रूव भी किया, लेकिन अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ड्रोन्स। आप देखें कि अब वो उन इलाकों के अंदर, खासतौर पर जो रूस के इंडस्ट्रियल इलाके हैं या डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी है, उन इलाकों में ड्रोन से अटैक करें, लेकिन बहुत कैलकुलेटेड और बहुत छोटे अटैक इसको आप मान सकते हैं। बड़ा डेटरेंस यूक्रेन की तरफ से बाकी इलाकों में, यूक्रेन कुर्स्क के इलाकों के अलावा कहीं पहुँचाया नहीं गया, लेकिन अब रूस की बारी है। रूस लगातार बड़े अटैक्स कर रहा है। रूस ने कल के अटैक में पूरे यूक्रेन के इलेक्ट्रिसिटी सेटअप को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया, खासतौर पर कीव के अंदर, लवीव के अंदर, इन इलाकों के अंदर उसने पहली वेव के अंदर अपने जो इनके पावर सेक्टर्स थे, जो इनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उनको बर्बाद कर दिया। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स के बैटरीज को टारगेट किया। अब दूसरी वेव आने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि अब रूस की तरफ से दूसरे बड़े अटैक को अंजाम दिया जाएगा और फिर दोबारा से अब उनका जो मेन टारगेट होगा, अब होगा यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट करना। तो निश्चित तौर पर अब देखिए, रूस जो बड़े अटैक कर रहा है उसमें ना सिर्फ उनको आर्थिक रूप से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान पहुंचा रहा, बल्कि आने वाली सर्दियों में किस तरीके से यूक्रेन को मजबूर किया जा सकता है, यह भी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, यानी अब एयर डिफेंस सिस्टम जो यूक्रेन के इस वक्त हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है रशिया की तरफ से। इसके आसार सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। और इस बीच रूस का यूक्रेन पर भीषण मिसाइल हमला हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर 28 कैलिबर मिसाइलें दागी हैं। देखिए, हमले की जो डिटेल्स हैं वो अब सामने आने लगी हैं। ब्लैक सी से यूक्रेनी शहर को बनाया गया है निशाना। रूसी हमले में यूक्रेन के कई इलाकों में तबाही मची है। कुछ तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष ताजा हमले से जुड़ी आपको दिखा रहा है। ये देखिए, ब्लैक सी से कैसे यूक्रेनी शहर में तबाही मचाने की कोशिश की है रूस ने ताजा हमलों के जरिए, ये आपके सामने है। और आइए अब बिना वक्त गवाए सीधे खार्किव के वॉर जोन में आपको लिए चलते हैं, जहां पर मौजूद है टीवी 9 भारतवर्ष की जांबाज टीम। विपिन चौबे इस वक्त हमारे सहयोगी हमसे लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। विपिन, जरा बताइए वहां पर किस तरह के हालात हैं। रूस की तरफ से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, यूक्रेन के तमाम शहरों को एक साथ निशाना बना रहा है रूस। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, युद्ध अब बहुत निर्णायक मोड में आती हुई नजर आ रही है और क्रुक्स के हमले के बाद से पुतिन बौखलाए हुए हैं। और आप समझिए कि हम जिस वॉर जोन में मौजूद हैं, हम समीर इस वक्त खार्किव शहर से सूमी की तरफ रवाना हो रहे हैं। यहाँ सुबह के लगभग 7:30-8 हो रहे हैं और इसी समय जब आप सड़कों पर देखेंगे तो आपको मिलिट्री की गाड़ियां, मूवमेंट और इस तरह से जो रेड अलर्ट सायरन्स है, ये रात से ही बज रहे हैं। तो ये वो इलाके हैं जिसमें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष मौजूद है, चाहे वो खार्किव का इलाका हो, सुमी का इलाका हो या फिर बाकी राजधानी कीव हो, इन कोई भी इलाका आज की तारीख में सुरक्षित नहीं है और लगातार रेड अलर्ट सायरन। और इधर से ऐसा नहीं कि सिर्फ रशिया हमले कर रहा है, इधर से भी हर हमले का जवाब दिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका बॉर्डर एरियाज में है वो ड्रोन हमले की है और ड्रोन हमले से बचने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है यूक्रेन, लेकिन रशिया बहुत ऑफेंसिव हो गया है और इसका खामियाजा यूक्रेन के बॉर्डर के इलाकों को भुगतना पड़ रहा है। और खासकर राजधानी कीव में भी हमले करके रशिया ने यह मैसेज दे दिया है कि हम जहां और जब चाहेंगे आपको मारेंगे और आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर है कि क्रुक्स का बदला अब प्रतिशोध लेने के लिए रशिया उतर आया है और उसी का परिणाम है कि बीते 24 घंटे में लगातार हमले जारी।